तो धान रोपने वाला खेत में भी पानी दिख रहा है। फिर से नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। सुबह का समय है, आसमान में बादल है, धूप नहीं निकला है दोस्तों। आज का वातावरण इस प्रकार है दोस्तों। ओल का पौधा है दोस्तों, बहुत सुंदर इसका पौधा विकास हो रहा है। घर के सामने है इसलिए इतना अच्छा विकास हो रहा है, घर से दूर रहता तो अच्छा नहीं होता दोस्तों। ज़्यादातर से ओल को घर के सामने रोपाई करने से ही अच्छा होता है और अच्छा बैठता है दोस्तों। गांव के किनार किनार दोस्तों बांस बहुत ज्यादा है, किसी को बांस का जरूरत होगा तो बोलिएगा, आसानी से बांस मिल जाएगा दोस्तों। धान रोपाई के लिए वहां भी मेड़ को बनाया जा रहा है लेकिन बारिश ही नहीं हो रहा है। इस बच्चे को बाइक चलाने का बहुत शौक है, बंद गाड़ी को ढकेल के ले जा रहा है। कितना सुंदर पेड़ पौधा दोस्तों, यहाँ पर पलाश का ही ज्यादा पेड़ पौधा है, छोटा से लेकर बड़ा तक है। कुछ सालों बाद यहाँ भी पलाश का जंगल बन जाएगा। 5-6 साल पहले यहाँ पर ऐसा पलाश का पौधा नहीं था दोस्तों, लेकिन अब तो छोटा से लेकर बड़ा पौधा यहाँ भर गया है। आज से लगभग 20-25 साल पहले दोस्तों इस रास्ते पे जो भी यात्री आते थे यहाँ पर पत्थर फेंक के ही जाते थे। पत्थर फेंकने का क्या वजह था जो उस टाइम पत्थर फेंक के ही जाते थे यहाँ पर, दोस्तों मैं बड़े बुजुर्ग से जानकारी लिया तो उन लोगों ने जानकारी दिया कि जो भी यात्री यहाँ पर पत्थर फेंक के जाते थे वो यात्री का आगे रास्ते में दिक्कत नहीं होता था और शुभ यात्रा माना जाता था। यही लोगों का विश्वास था उस टाइम पर, इसीलिए यात्री यहाँ पर पत्थर फेंक के जाते थे, लोगों का कहना था। आजकल तो डांड़ दोन का रंगत बदल गया दोस्तों, पूरा हरा भरा दिख रहा है चारों तरफ। आजकल पुटुस का हर पौधा में फूल खिल चुका है दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ना। डांड़ में कितना सुंदर धान का फसल है, इस धान के लिए केवल नमी का जरूरत होता है। मेरे गांव घर में दो प्रकार के धान का फसल होता है दोस्तों, एक डांड का फसल होता है, एक दोन का फसल होता है। दोन में पानी का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, डांड में ज़्यादा जरूरत नहीं होता है पानी का, केवल यहाँ नमी रहने से आसानी से हो जाता है। गांव से बाहर आया हूँ दोस्तों, रोड साइड देखिए दोस्तों कितना सुंदर हवा चल रहा है, कितना सुंदर पत्ता हिल रहा है। लगभग 15-20 दिन बाद दोस्तों आज बारिश हुआ है, आज ज्यादा बारिश हुआ है। धान रोपने वाला खेत में भी थोड़ा बहुत आज पानी हुआ है दोस्तों। बारिश आने के बाद दोस्तों गड्ढा में पानी हो गया है, आज ज्यादा ही बारिश हुआ है। बाकी बारिश आने के बाद दोस्तों सामने का वातावरण कितना सुहाना लग रहा है। बारिश आने के बाद दोस्तों पेड़ पौधा इतना हरा भरा दिखता है ना कि मन मोह लेता है। देखिए मेरे पीछे कितना सुंदर लग रहा है। बारिश होने के बाद दोस्तों धान रोपने वाला खेत में भी पानी दिख रहा है।
शाम का समय हो गया दोस्तों, चरवाहा बैल चरा के ला रहे हैं।